हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज मैं क्लास 8 गणित प्रवाह अध्याय 17 समय और कार्य बनाकर देखे 17.2 पेज नंबर 170 का करने वाले हैं। सम्स 1 से 4 तक देखिए। 1 नंबर सम्स क्या आपका, प्रिया और देवू दोनों अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 घंटा एवं 12 घंटा में कर सकते हैं। वे यदि एक साथ उस काम को करें तो कितना घंटा में काम को पूरा करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। ये मान लीजिए आप इतना काम है, कितना काम है, ये पूरा काम है। ये मान लीजिए खेत है, खेत को जोतना है, तो ये पूरा काम प्रिया कर रही है 10 घंटा में और देवू कर रहा है ये अकेले 12 घंटा में। तो देखिए दोनों एक साथ यदि मिल जाएगा और इसी काम को दोनों मिल के करेगा तो कितना घंटा में कर पाएगा ये निकालना है। तो हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रिया 10 घंटे में काम करती है, आपका एक हिस्सा काम करती है। ये 10 घंटे में कितना काम करती है, एक हिस्सा। तो इस प्रिया 1 घंटा में कितना काम करेगी, 1 घंटा में आपका 10 घंटा में एक हिस्सा काम करते हैं, तो 1 घंटा में क्या करेगी आपका, भाग करेंगे 1/10 हिस्सा। ये आपका 1 घंटा में कम करेगी ना, तो ये एक हिस्सा कर लेती है पूरा काम 10 घंटे में। और 1 घंटा में कितना कर पाएगी, मतलब इसका 1/10 भाग कर पाएगी, 1/10 भाग पूरा नहीं कर पाएगी। देखिए अब देवू लिखेंगे, देवू 12 घंटे में काम करता है एक हिस्सा, वो भी 12 घंटा में एक हिस्सा काम करता है। तो 1 घंटा में कितना काम कर पाएगा, 1 घंटा में 1/12 हिस्सा कर पाएगा। 1 घंटा तो कम है ना, आप जहाँ 12 घंटा में काम कर रहा है एक हिस्सा, तो 1 घंटा में तो कम काम हो पाएगा ना। तो एक क्या करेंगे, ये पहले लिखेंगे 1 और ये 12 आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दोनों एक साथ काम करेगा 1 घंटा में तो कितना कर पाएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, दोनों एक घंटा में, 1 घंटा में काम करता है कितना, 1/10 प्लस 1/12, यही ना, और हिस्सा लिख दीजिए। दोनों एक साथ 1 घंटा में काम करता है, 1 घंटा दोनों निकला था ना, 1 घंटा में 1/10 हिस्सा काम करती है प्रिया और यहाँ देवू 1/12। तो दोनों एक साथ 1 घंटा में काम करता है कितना, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ मैं कर रही हूँ, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, यहाँ पे आएगा एलसीएम 60। अब 10 का पारा में 60 कितना बार बनता है, 6 बार में, 6 का गुना 1 से करेंगे तो 6 प्लस 12 का पारा 60 कितना बार, 5 बार में, 5 × 5 = 5, लिखिए हिस्सा। अब देखिए कितना जाएगा, 11/60 हिस्सा, 11/60 हिस्सा कर पाता है काम। तो ये मतलब अभी दोनों क्या कर रहा है, आपका 1 घंटा में 11/60 हिस्सा ही, मतलब 60 हिस्सा कुल है उसमें 11 ही काम कर रहा है। तो देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 11/60 हिस्सा 1 घंटा में करता है, तो कितना घंटा में काम होगा, ये पूरा हिस्सा एक हिस्सा करने में पूरा कितना लगेगा। तो लिखेंगे हम लोग 11/60 हिस्सा काम करने में लगता है = 1 घंटा। तो एक हिस्सा काम करने में कितना लगेगा टाइम, ये निकालना है ना। तो देखिए एक हिस्सा काम करने में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और ये 11/60 ना डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखिए अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा ना, 11 नीचे, तो यहाँ पे हम लोग 60/11 आ जाएगा। 60/11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 11 × 5 = 55, बचेगा 5, फिर 5 सहित 5/11 हिस्सा।
मतलब एक घंटा में आपका कितना, एक हिस्सा काम करने में कितना लगेगा, एक घंटा होगा, यहाँ सॉरी हिस्सा नहीं घंटा, ये एक हिस्सा काम करने में, पूरा खेत जोतने में, दोनों यदि जोतते हैं एक साथ तो कितना टाइम में लगेगा आपका, पांच सहित 5/11 घंटा लगेगा। तो इसी तरह बनाइएगा। नंबर सम्स क्या आपका, मैं, मेरे भैया और दीदी, मेरी दीदी तीनों ने मिलकर घर की खिड़की को रंग करेंगे। मेरी दीदी, भैया और मैं अलग तरह से इस काम को क्रमशः 12, 4 एवं 6 दिन में कर सकता हूँ। मतलब सब अलग कर रहे हैं ना, तो कोई 12 दिन में कर रहा है, कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में। तो हम तीनों ने यदि एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, यदि तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा, तो ये निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, मैं पहले क्या दिया, मैं ना, तो लिखेंगे मैं पहले क्या दिखा, मैं 12 दिन लिखा हुआ, तो 12 दिन में काम करते हैं, कितना, एक हिस्सा करती है, करेगी ना, अकेले करेगी तो क्या, 12 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में काम कर रहा है कितना, एक हिस्सा। ये खिड़की मान लीजिए, खिड़की तो खिड़की को रंग कर रहे हैं 12 दिन में, ये मैं कर पा रही हूँ अकेले, ये पूरा खिड़की को रंग पा रही हूँ, ठीक है, ये पूरा एक हिस्सा हुआ, तो इसको हम लोग 12 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना लगेगा, तो मैं एक दिन में काम करते हैं कितना, 1/12 हिस्सा। फिर लिखेंगे क्या, मेरे भैया कितना दिन में आपका, मेरे भैया 4 दिन में काम करते हैं एक हिस्सा। तो मेरे भैया एक दिन में काम करते हैं कितना आपका, 1/4 हिस्सा, जिस तरह पहले बनाए थे वन नंबर उसी तरह बनेगा। फिर मेरी दीदी कितना दिन में, 6 दिन में काम करती है कितना, एक हिस्सा आपका, 6 दिन में एक हिस्सा करती है। तो मेरी दीदी एक दिन में काम करती है 1/6 हिस्सा। अब तीनों मिलकर कैसे करेगा, देखिए तीनों मिलकर कितना करेगा, तो हम लिखेंगे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, सभी वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 हिस्सा। तो करिए 12, 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अब 3 से करिए, 3 × 2 = 6, 2, 3 × 3 = 3, अब 2, तो यहाँ पे 6, 6 × 2 = 12, तो 12 एलसीएम आएगा, 1 + 4 = 12 कितना, 3 बार में, 3 × 3 प्लस 6 × 12 कितना, 2 बार में, 2 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 1/2 आ जाएगा, मतलब आपका तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं कितना, आधा हिस्सा, क्या करते हैं, आधा हिस्सा, कितना दिन में, एक दिन में। तो लिखेंगे आधा हिस्सा काम करते हैं कितना, एक दिन में, तो एक हिस्सा काम करते हैं कितना, 1, और ये भाग करिए 1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे गुना में, 2/1, तो ये हो जाएगा 2 दिन। तो तीनों यदि एक साथ मिल जाएंगे ना, तो आधा हिस्सा काम करने में 1 दिन लग रहा है, तो एक हिस्सा काम करने में कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा। इसी तरह बनाइएगा।
इसी तरह बनाइएगा। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, तीनों एक साथ मिलकर यहाँ क्या लिखेंगे, एक दिन में काम करते हैं। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है, आधा हिस्सा। तो आधा हिस्सा काम करते एक दिन में, तो एक हिस्सा काम करने में कितना दिन लगेगा, दो दिन। इसी तरह बनाइएगा। नंबर समझ के आपका अवनी एवं अनवर अलग अलग ढंग से काम को क्रमशः 20 एवं 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू किए एवं 10 दिन के बाद दोनों चले गए, मतलब दोनों मिलकर अलग अलग काम किया 20 दिन और 25 दिन में, फिर दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किए और फिर चले गए। फिर क्या हुआ, सुखे ने आकर बाकी काम को 3 दिन में पूरा किया, और सुखेन का क्या किया, जो काम बाकी था उनको 3 दिन में किया। यदि सुखेन पूरा काम अकेले करता तो काम को कितने दिन में करता, हिसाब करके लिखे। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, अवनी, कोई भी काम एक हिस्सा होता, ठीक है, तो अवनी 20 दिन में काम करती है इक्वल टू एक हिस्सा। तो अवनी एक दिन में कितना काम कर पाएगी, एक दिन में काम करती है 1/20 हिस्सा। और अनवर 25 दिन में काम करता है 1 हिस्सा, तो एक दिन में कितना कर पाएगा, एक दिन में काम करता है 1/25 हिस्सा। अब क्या दोनों 10 दिन तक काम करते हैं ना, तो दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों एक दिन में, पहले कितना निकाल लीजिए, दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम करते हैं इक्वल टू, इस दोनों का प्लस कीजिएगा ना, 1/20 प्लस 1/25, 20 और 25 का एलसीएम निकलता है यहाँ पे, मैं कर रही हूँ 20 25 का एलसीएम लीजिए, 5×20 5×25 20×25 100, तो यहाँ आएगा 100। 20 का पावर में 100 कितना, 5 बार में 5 प्लस 25 का पावर में 100 कितना बार में, आपका 4 बार में, तो 9/100 हिस्सा। तो देखिए दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9/100, मतलब 100 हिस्सा पूरा काम कितना है, 100 में 9 ही कर पा रहा, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 9/100, ठीक है, 9/100 हिस्सा हो गया ना, दोनों एक दिन में काम कर रहा है कितना मिलकर, 9/100 हिस्सा, तो 10 दिन तक दोनों मिलकर काम किया ना, तो हम लोग लिखेंगे एक दिन में काम करते हैं कितना, 9/10 हिस्सा, 9/100 हिस्सा, तो 10 दिन में कितना कर पाएंगे, 10 दिन में काम करते हैं कितना, 9/10 है ना, 9/100 है ना, और क्या करेंगे, ये 10 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से काटिए, यहाँ 10 आ जाएगा, 9/10, तो 9/10 हिस्सा, 10 दिन तक कितना काम हुआ, आपका 9/10 हिस्सा काम हुआ। तो अब बाकी काम कौन कर रहा है, तो बाकी काम निकालिए, तो बाकी काम कितना बचा, बाकी काम पूरा काम क्या है, एक है, एक से माइनस कीजिए 9/10, तो 10 एलसीएम लेंगे, 10 में से 9 चला जाएगा, तो 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा काम बाकी है। तो हम लोग देखिए 1/10 हिस्सा जो काम बाकी है, तो सुखेन क्या कर रहा है, 3 दिन में पूरा कर दे रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, सुखेन 1/10 हिस्सा काम करते हैं कितना, 3 दिन में ना, तो एक हिस्सा पूरा काम करने में कितना लगेगा, सुखेन 1 हिस्सा काम करते हैं कितना दिन में, 3, और ये आपका 1/10 ऐसे भाग कीजिए 1/10, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा एक नीचे, तो 3×10 कीजिए तो कितना, 30 दिन में, कितना दिन लगेगा सुखेन एक हिस्सा काम करने में, सुखेन को लगेगा 30 दिन। जहाँ अनवर अवनी 25 और 20 दिन में कर रहे थे ना, तो वहाँ पे सुखेन को लगेगा 30 दिन। इसी तरह निकालिएगा, क्या किए, दोनों का निकाल लिया,
अब दोनों मिलकर जो काम किया, एक 9/100 हिस्सा काम किया एक दिन में किया, अब 10 दिन में कितना काम करेगा, तो 10 से गुना किए 9/100 को, 9/100 हो गया, दो एक दिन में काम करते हैं, एक दिन में दोनों दोनों काम करते हैं, एक दिन में 10 दिन में दोनों दोनों काम करते हैं, ठीक है 9/10। अब बाकी हिस्सा कितना है, पूरा आपका काम कितना है, एक है, पूरा काम एक है, एक से हम लोग 9/10 को घटा देंगे तो 1/10 हिस्सा काम बचा। अब 1/10 हिस्सा काम ही सुखेन किया 3 दिन में, तो एक हिस्सा काम करने में सुखेन को लगेगा 30 दिन। इसी तरह बनाइएगा। नंबर समस्या आपका, पौर सभा के एक पानी टैंक से पानी लेने के लिए दो नल है, दोनों नल से अलग अलग 4 घंटा में टैंक खाली किया जा सकता है, दोनों नल एक साथ खोल देने पर कितने देर में भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा, तो कैसे करेंगे। देखिए हम लोग ये मान लीजिए ये टैंक है, अब दो नल है, यहाँ एक नल है और यहाँ एक नल है, अब नल से दोनों नल खोल दे रहे हैं ना, दोनों बोल अलग अलग 4 घंटा में टैंक खाली हो जा रहा है, 4 तो इसको खोल रहा है तो 4 घंटा में खाली हो जा रहा है, इसको भी खोल रहा है तो 4 ही घंटा में खाली हो रहा है। अब बोला गया दोनों यदि एक साथ खोल देंगे दोनों नल को, जैसे इसको बंद कर दिए इससे खोल रहा है तो ये नल कितना खाली हो रहा है, 4 घंटा में, अब इसको बंद कर दिए इससे खोल रहा है तो ये भी 4 घंटा में खाली कर पा रहा है, और दोनों को यदि हम एक ही साथ खोल देंगे तो इसको कितना देर में खाली करने में लगेगा, तो ये पूछा गया है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम नल से टैंक खाली होता है कितना आपका, 4 घंटे में टैंक खाली होता है कितना आपका, एक हिस्सा 4 घंटा में पूरा खाली कर दे रहा था ना, तो प्रथम नल से 1 घंटा में टैंक कितना खाली होगा, खाली होता है आपका 1/4 हिस्सा। अब दूसरे नल से वो भी 4 ही घंटा में खाली कर रहा है, 4 घंटे में टैंक खाली होता है 1 हिस्सा, तो दूसरे नल से 1 घंटे में टैंक खाली होता है कितना, 1/4 हिस्सा। तो अब दोनों नल एक साथ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों नल एक साथ 1 घंटा में कितना खाली करता है, 1 घंटे में टैंक खाली होता है या करता, जो भी, दोनों नल एक साथ 1 घंटे में टैंक खाली होता नहीं है, करता है, यहाँ लिखेंगे करता है आपका 1/4 + 1/4 हिस्सा लिख दीजिए, तो यहाँ 4 और 1 + 1 कीजिएगा तो कितना जाएगा, 2/4, तो 1 से काटिए, 2 × 2, 2 × 4 मतलब आधा हिस्सा, क्या आ जाएगा 1/2 हिस्सा। तो 1 घंटा में टैंक खाली करता है कितना, दोनों नल यदि एक साथ कर देंगे एक साथ खोलेंगे तो आधा हिस्सा खाली होगा 1 घंटे में, तो हम लोग लिखेंगे आधा हिस्सा टैंक खाली करता है कितना आपका 1 घंटा में ना, 1 घंटा में, तो एक हिस्सा टैंक खाली करने में कितना लगेगा, एक हिस्सा टैंक खाली करता है आपका =1 और 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर करेंगे 2 और 1, तो यहाँ पे =2 कितना जाएगा, 2, यहाँ लिखेंगे 2 घंटे में आपका, एक नल से क्या कर रहे थे 4 घंटा में खाली कर रहा था, दूसरे नल से भी 4 घंटा में टैंक खाली हो रहा था, तो दोनों को क्या किया एक साथ यदि खोल देंगे तो 1 घंटा में टैंक खाली करता है कितना, 1/2 हिस्सा। अब आधा हिस्सा टैंक खाली करता है 1 घंटे में, तो एक हिस्सा टैंक खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। इसी तरह बनाइएगा, देखिए आधा हिस्सा टैंक खाली करता है कौन, आधा हिस्सा टैंक खाली करता नहीं होता है आपका 1 घंटे में, तो एक हिस्सा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे।
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।